मेरा नाम विकास है और द ट्रेन में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक बार फिर हम लेकर आए हैं ट्रेन के नाम से संबंधित एक और वीडियो, जिसमें हम आपको बताते हैं ट्रेन के नाम का अर्थ। क्योंकि कई सारी ऐसी ट्रेनें होती हैं जो कि शहर के नाम से चलती हैं, कुछ ट्रेन ऐसी होती है जो कि नदियों के नाम पर चलती है, कुछ ट्रेन ऐसी होती है जो राज्य के नाम पर चलती है, और कुछ ट्रेन ऐसी होती है जो कि हिस्टोरिकल प्लेस के नाम पर चलती है। लेकिन कुछ ट्रेनों के नाम इस तरह से रख दिए जाते हैं जिसका अर्थ नॉर्मली वही लोग तो जान सकते हैं जहाँ से वो ट्रेन एक्चुअल में चलती है, और बाकी लोग उस ट्रेन का अर्थ नहीं जान पाते हैं। तो इसी क्रम में जो आज की ट्रेन है वो है वाराणसी से चलकर जोधपुर तक जाने वाली मरुधर एक्सप्रेस। अगर इस ट्रेन के हम रूट की बात करें तो ये हफ्ते में 3 दिन फैजाबाद होकर निकलती है, 3 दिन सुल्तानपुर होकर निकलती है, और 1 दिन ये प्रतापगढ़ होकर निकलती है, और फिर उसके बाद ये अपने लखनऊ, जहाँ पे इन तीनों रूट का मिलन होता है, वो वहाँ पे आके पहुँचती है। और अगर हम इस ट्रेन के पूरे रूट की बात करें तो ये ट्रेन लखनऊ के बाद पहुँचती है कानपुर सेंट्रल, उसके बाद पहुँचती है ये टुंडला जंक्शन के बाद ये निकलती है आगरा फोर्ट की तरफ, आगरा फोर्ट के बाद ये पहुँचती है जयपुर जंक्शन, और फिर उसके बाद अपने डेस्टिनेशन जोधपुर ये पहुँचती है। अगर इस ट्रेन के हम थोड़े से इतिहास के बारे में बताएं तो ये ट्रेन जब स्टार्ट हुई थी तो ये ट्रेन चलती थी लखनऊ से जोधपुर के बीच से, लेकिन 2 ही साल के बाद इसका एक्सटेंड कर दिया गया वाराणसी तक। तो अब हम आपको बताने वाले हैं इस ट्रेन का अर्थ मरुधर एक्सप्रेस। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने हमारा मरुधर एक्सप्रेस का व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी क्लिक करके आप उस व्लॉग को देख सकते हैं जिसमें हम मरुधर एक्सप्रेस का पूरा व्लॉग बनाए हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं मरुधर एक्सप्रेस का अर्थ। मरुधर एक्सप्रेस एक्चुअल 2 अलग अलग शब्दों से मिल के बना हुआ है, मरु और धर। मरु का मतलब होता है रेगिस्तानी धरती, और धर मतलब कि ज़मीन। तो मरुधर का मतलब इस तरह से हो गया रेगिस्तानी धरती। इसी तरीके से एक ट्रेन और भी चलती है एर्णाकुलम से चल के अजमेर तक जाने वाली मरु सागर एक्सप्रेस। अब इसका भी इसी तरीके से अर्थ निकलता है, क्योंकि मरु मतलब मरुस्थल और सागर एर्णाकुलम में सागर है। तो इस तरह से इस ट्रेन का अर्थ हो गया मरु सागर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और अगली किस ट्रेन का अर्थ आप जानना चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। तो अब मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।